नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए देख लेते हैं आज की इस खास खबर को। यह खबर है सटाई थाना क्षेत्र की। सटाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली किरण रेकवार ने अपने परिवार के साथ आकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें इसने आरोप लगाए हैं कि नगर पंचायत सटाई के अध्यक्ष की जो पति है राजेश शर्मा, इनके द्वारा इन्हें फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। तो वहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके द्वारा मकान का काम लगा दिया गया था, उसको तोड़वाने का भी इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो किरण रेकवार ने अपने परिवार के साथ आकर के एक शिकायती आवेदन दिया है और मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो, तभी यह केस लगने चाहिए। पूर्व में भी किरण रेकवार के द्वारा परिवार के साथ आकर के पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब दोबारा 26 तारीख को यह घटना घटित हुई, जिस पर पुलिस अधीक्षक को किरण रेकवार ने आकर के शिकायती आवेदन दिया है। एक राजेश शर्मा जो है हमारा जबरदस्त मकान खड़ा रहा और मतलब पलक धोई थी, हम वहाँ पर व्यक्ति है, दिखाई दी रिपोर्ट करवा रहा था हमारे पास। 40 साल में हमारी कोई रिपोर्ट नहीं, इसमें 2 FIR केस भी चलवा रहा हूँ। अब अभी भी इसके ऊपर भी एक दिन इसमें काम लगवाओ थे 4 गाय जलन से हैं, जबरदस्त मकान खड़ा रहा हूँ। इसलिए ये 5G और मरा था, अभी हम उस दिन हाथी ना थे। एक कांग्रेजी नेता है, उसकी पत्नी नगर अध्यक्ष है, बहुत जबरदस्त हमारा तो मकान फ्री में दे दो ने, जो कहते हैं हमको फ्री में चाहिए तो मकान, तहसील हमारी है, थाना हमारा है, नगर पालिका हमारी है, फ्री में छोड़ा लेंगे, जिसको सुनाना हो सुना दो, जिसको जो करना हो करना, मेरी अंडर में साथ है। उसने फर्जी पूर्व में आपकी लड़की के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, दोबारा आवेदन दिया गया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, भाई ने फर्जी उल्टे केस लगा रहा हूँ। खबर दिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नहीं ताज़ा खबरों के साथ।